विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में चैत्र नवरात्रे मेले बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हो गए। इस बार नवरात्रों में जहां पर लगभग 5 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने माता जी के दर्शन किए, वहीं श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब नवरात्रों के दौरान भी देखने को मिला। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में चैत्र नवरात्रे मेले धूमधाम के साथ संपन्न हो गए। इस बार नवरात्रों में जहां पर लगभग 5 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए, वहीं श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब नवरात्रों के दौरान उमड़ता रहा। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में पहुंचकर माता के नवरात्रों का पूजन किया। मंदिर न्यास, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, पेयजल एवं सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग के द्वारा मेलों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया। हालांकि इस बार मेले के दौरान मंदिर में कड़ाह प्रसाद एवं सूखा प्रसाद चढ़ाने पर मनाही रही, इसका भी मिला जुला असर देखने को मिला। मेलों के दौरान मंदिर की सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया और पूरी तरह मंदिर को चकाचौंध किया गया था। मंदिर अधिकारी दुर्गा दास, पुलिस मेला अधिकारी DSP संजय शर्मा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु मंदिर क्षेत्र में ही लगे रहे और मेले के दौरान प्रत्येक गतिविधि पर पैनी नजर CCTV कैमरों के माध्यम से रखी गई। जेब कतरों व असामाजिक तत्वों पर नजर पहले से ही रखी जा रही थी। हालांकि पहले 2-3 नवरात्रों के दौरान जेब कतरों के मामले जरूर सामने आए, लेकिन उसके बाद श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली और जेब कतरों पर पुलिस ने पूरी तरह नकेल कसने में कामयाबी हासिल की। भारी भीड़ के दौरान श्रद्धालुओं को छोटे छोटे ग्रुपों में मंदिर भेजा गया। माता जी का नवरात्रा पूजन करके श्रद्धालु खुशी खुशी अपने घरों को लौट ले और कुल मिलाकर इस बार चैत्र नवरात्रे बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुए। नवरात्रे सुख शांति से संपन्न हुए। सभी यात्री दर्शन करके अपने अपने घरों को गए। कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। सुख शांति से मेले संपन्न हुए।